अहमदाबाद समेत गुजरात के कई इलाकों में बारिश का दूसरा दौर शुरू हो गया है। अहमदाबाद में पिछली रात से ही लगातार बारिश हो रही है, जिससे शहर के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। स्कूलों में पानी भर जाने से बच्चों को छुट्टी दे दी गई। सड़कों पर पानी भर जाने से ट्रैफिक जाम हो गया। वहीं कई जगहों पर जमीन घसने से खड्डे पड़ गए। जगह जगह लोगों की गाड़ियां भी फंस गई। यहाँ पे हम लोगों की तरफ चलते, उनसे जानते हैं कि एएमसी के जो खोखले दावे थे वो पूरी तरीके से खुल के सामने आ चुके, तो उनका क्या कहना है? मैं खुद कालूपुर से आया हूँ। अभी इनकम टैक्स पे एक ब्रिज पे मेरी बस फंस चुकी है और आने में इतनी प्रॉब्लम हो रही है, कोई बस नहीं चल रही है। एमटीएस की, बीआरटीएस की कोई भी बस नहीं है, हर जगह पानी पानी है, नहीं पहुँच ही नहीं पा रहा हूँ। इस बारिश ने महानगर पालिका के प्री मानसून प्लान पर भी पानी फेर दिया है। हर साल नगर निगम प्री मानसून प्लान बनाने का दावा करता है, लेकिन सारा प्लान पहली बारिश में ही बह जाता है। ऐसा ही इस बार भी हुआ है। इस बारिश ने नगर निगम के दावों की पोल खोल कर रख दी है। शहर में बारिश से कई जगह खड्डे पड़ गए, पानी भरने से आने जाने में दिक्कतें हो रही है और कई जगह पेड़ों के गिरने की भी खबरें हैं। सभी इलाकों में रोड पे खड्डों की वजह से कई गाड़ियां बिगड़ गई है और टूट गई है, जिसकी वजह से आज लोगों में काफी परेशानियां हो गई है। तो चलो जानते हैं कि लोगों में क्या क्या परेशानियां दिख रही है। चारों तरफ पानी भरा हुआ है, सभी इलाकों में, नारायणपुरा सभी जगह पे पानी भरा हुआ है। और यहाँ पर जो गटर लाइन डाली हुई है वो कोई काम की नहीं है, मतलब जो लाइन पानी लाइन बेकार हुई है। कार्रवाई के नाम पर फायर ब्रिगेड ने कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी है और उन्हें स्टैंड टू रहने के आदेश दिए गए। वहीं पालड़ी संस्कार केंद्र में हर साल की तरह कंट्रोल रूम शुरू कर दिया गया है, जो बारिश के आंकड़े जुटाने से ज़्यादा कुछ नहीं करता। विशाल मेहता के साथ हितेन विटलानी और अमी शर्मा, जानो दुनिया, अहमदाबाद।